हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्रीट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षक बनना चाह रहे हैं लाखों उम्मीदवार, बेसब्री से CBSE CTET परीक्षा की नई तिथि के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा तिथि को लेकर ताज़ा बयान दिया है। CBSE ने कहा है कि हालात सामान्य होने पर CTET परीक्षा की नई डेट की सूचना दे दी जाएगी। CBSE ने यह बात ट्विटर पर एक अभ्यर्थी के ट्वीट के जवाब में कही। अभ्यर्थी ने CBSE के टैग करते हुए CTET परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने की मांग की थी। इसके जवाब में CBSE ने ट्वीट किया, जब परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल स्थिति हो जाएगी तब नई CTET परीक्षा की तिथि की सूचना दे दी जाएगी। आपको बता दें कि यह परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। तब से अभी तक परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह परीक्षा नवंबर आखिर या दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। आपको बता दें कि CTET परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, एक जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है वो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और दूसरे स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं CTET एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पेपर 1 में 150 मार्क्स के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स, एनवायरमेंटल स्टडीज से जुड़े 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पेपर 2 में भी 150 मार्क्स के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये मैथ्स और साइंस के टीचरों के लिए है। मैथ्स व साइंस या सोशल स्टडी, सोशल साइंस टीचर के लिए है। इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।